बहुत ही सहज और सरलता से जिन्होंने हमें अनुदान दिया 35 लाख का, और उन्हीं की धर्मपत्नी श्रीमती आरती जी और उनके सभी पारिवारिक जन हमारे बीच में है। मैं आपका अनुपिष्ट भारतीय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। का शुभ उद्घाटन सदैव मुनि श्री मनन कुमार जी के सानिध्य में, अविनाश जी नाहर की उपस्थिति और कठौतिया परिवार की उपस्थिति में आज यहाँ नंदन के प्रांगण में ये सानंद संपन्न हुआ। पालकों को, बच्चों को, छात्र छात्राओं को फन विथ लर्न, नैतिकता का विकास कैसे हो, चारित्रिक विकास कैसे हो, उनमें व्यक्तित्व विकास कैसे हो, इस प्रति रविवार इसमें विशेष रूप में वर्कशॉप अलग अलग विषयों पर रखेगी। उनमें लगभग हमारे 6 जोन है, 1 जोन हमारे वेटिंग एरिया है, जिसमें हमें अणुवत के अनेक आयाम और अणुवत गैलरी, जिसके अणुवत विश्व भारती के जितने भी आयाम है उसके बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा हमारा पर्यावरण रूम है, पर्यावरण रूम में हम पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें, हमने लाइव उसमें बताया गया है कि आप कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। तीसरी बात हमारा प्रोजेक्टर रूम है, थिएटर रूम है, इसमें बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियों के साथ साथ हम शिक्षा की बातें, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ऐसे शिक्षाप्रद फिल्मों के माध्यम से हम प्रशिक्षण देते हैं। और चौथा हमारा रूम है जीवन विज्ञान रूम, जिसमें हम जीवन विज्ञान प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान, योग प्रशिक्षण और योगासन के बारे में हम बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। काफ़ी ये जो हमें ये जानकारी हम बच्चों को देते हैं, इस साथ अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ, अपने पास पड़ोस की स्कूलों, जिस स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूलों के बच्चों के साथ अगर आप इधर यहाँ विजिट कराएं, तो वास्तव में आप अणुदृश्य भारती को सहयोग करेंगे। मैं आपको लग के समझ गई कि एक किडजोन का जो कार्य है उसकी जिम्मेदारी हमें दी गई, और ये कार्य करके हमें बहुत बहुत आनंद आया है, क्योंकि जो चीज़ें बच्चों के लिए की जाती है उसमें तो स्वतः ही आनंद आता है। और इसमें जो मीना जी का साथ मिला, वो इन्होंने जिस निष्ठा के साथ या जिस मतलब क्या कहते हैं ना, एक एनर्जी के साथ इसमें जो कार्य किया वो वाकई तारीफ के काबिल है। और जो इस किडजोन की प्लानिंग की गई है वो ये चीज़ ध्यान में रख के की गई है कि बच्चों का विकास कैसे हो, क्योंकि मनोरंजन के तो साधन बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ मनोरंजन के साथ साथ बच्चों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास को ध्यान में रखकर इस किडजोन का निर्माण किया गया है। और इसकी डिज़ाइनिंग में, इसकी प्लानिंग में मीना जी का जो सपोर्ट रहा है, मतलब उनके भीतर एक किडजोन समा गया और उन्होंने पूरी लगन और मेहनत के साथ इसमें कार्य किया। जय जिनेन्द्र। गुरुवर तुलसी का जो अवदान है अनुभव, उसमें जैसे कि वो अहिंसा यात्रा में फैला रहे हैं, नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति, तो हमने इस किड जोन में प्रयास किया है कि खेल खेल में बच्चों को ये तीनों पॉइंट कैसे सिखाया जाए, तो हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया है। आशा करते हैं सभी को किड जोन पसंद आएगी। अविनाश जी और मनोज जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इस कार्य के काबिल समझा। अपने विचारों को, अपने भावों को किस प्रकार स्वस्थ रख सके, ये उनका एक सोच और उसी सोच का सुपरिणाम अनुरत है, उसी का परिणाम शिक्षा ज्ञान है, और इन दोनों का मिलावा रूप जीवन विज्ञान है। तो खेल खेल में उन्होंने कुछ न कुछ स्टेप सीखेंगे और धीरे धीरे उनकी जर्नी आगे बढ़ेगी, ये बहुत अच्छा प्रयास है। यही हम पुरुष से बात करते हैं कि हम इतने मजबूत हैं, घर की जिम्मेदारियां हमारी है, व्यापार की जिम्मेदारियां हमारी है, लेकिन मैं कहूंगा कि हम पुरुषों से कई गुना आगे ये दोनों भाइयों ने मिलकर के इस पूरे प्रांगण को जो स्वरूप दिया है उसमें अपना जीवन लगा दी। मूल्य है, जीवन है, उसे हम बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं, ब्रश करते हुए, बात करते हुए, तो उसमें छोटी छोटी जानकारियाँ दी हैं ताकि वो बच्चों की समझ में आ सके। Oh,
Thank you.